प्यारे बच्चों, खानदान में वालिदैन और इनके बच्चे शामिल होते हैं। इसके अलावा कुछ खानदानों में दादा दादी भी होते हैं। खानदानों में लोगों की तादाद अलग अलग हो सकती है। हम अपने खानदान में पैदा होते हैं, परवरिश पाते हैं। माँ बाप हमें छोटे से बड़ा करते हैं, हर तरह से हमारा ख्याल रखते हैं। खानदान में हमें हर तरह का तहफूज हासिल होता है। गिजा लिबास और रहन सहन की तमाम जरूरतें खानदान में पूरी होती है। खानदान के दिगर लोग भी हमारी देखभाल करते हैं। खानदान के लोगों में आपस में अपनापन होता है। हमें प्यार और अपनायत की वजह से खानदान में रहना अच्छा लगता है। मुसीबत के वक्त सब एक दूसरे की मदद करते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं कि कहीं हम बीमार ना पड़ जाए। बीमारी की हालत में हमारे वालिदैन हमारी खास तौर पर देखभाल करते हैं। पहला नुक्ता है छोटा खानदान और बड़ा खानदान। किसी खानदान में माँ बाप और एक या दो बच्चे शामिल होते हैं, ऐसा खानदान छोटा खानदान कहलाता है। किसी खानदान में दादा दादी चचा चची सगे और चचाजात भाई बहने भी रहती है, ऐसा खानदान बड़ा खानदान कहलाता है। बच्चों, नुक्ता नंबर दो, तौसीई खानदान। अपने खानदान से अपने कई रिश्तेदार जुड़े होते हैं, जैसे चचा चची मामू मुमानी पुप्पी खाला हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। ऐसा खानदान तौसीई खानदान कहलाता है। रिश्तेदारों की वजह से खानदान फैलता है। तौसीई खानदान में सब एक घर में नहीं रहते, लेकिन इन लोगों में मोहब्बत और अपनायत होती है। अलग अलग मौकों पर वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं। बच्चों, चंद सवालों के जवाब दे। तुम्हारे तौसीई खानदान में कौन कौन है? बहुत अच्छे, अम्मी अबू दादा दादी। तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? शाबाश, पुप्पी खाला चचा चची, बहुत अच्छे। तुम्हारे तौसीई खानदान में लोग किन किन मौकों पर मिलते रहते हैं? शादी त्योहार वगैरह, शाबाश।